आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रशिक्षण में अब तक 235 मतदान कार्मिक अनुपस्थित। अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मुकदमा हुआ पंजीकृत। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। बुधवार से जनपद में बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची का घर घर जाकर किया जाएगा वितरण। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सीडीओ ने कहा, मतदाता पर्ची के वितरण में बीएलओ ना करे लापरवाही, नहीं तो उनके विरुद्ध की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक 3 मार्च को घर से निकलकर जरूर करें मतदान, राष्ट्र को बनाए मजबूत। विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रशिक्षण में जनपद के 200 से अधिक कार्मिक पाए गए अनुपस्थित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, कल तक मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होंगे तो अगले आदेश तक रोका जाएगा उनका वेतन। मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने विकास भवन के सभागार में आशा बहुओं के साथ की बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत को गांव में प्रचार प्रसार के लिए आशा बहुओं को दिए निर्देश। चोरी की योजना बनाते समय 4 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 चाकू, 4 चोरी का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने किया जनसंपर्क। कहा, 4 बार सत्ता में रहकर भी पूछ रहे हैं कि यूपी में काबा, जनता उनको बताइए यूपी में बाबा बा और मोदी बा। नागरिक सुरक्षा कोर की महिला वार्डनों ने रंगोली सजाकर शत प्रतिशत मतदान करने का दिया संदेश। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, लोकतंत्र के लाभ को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है मताधिकार। दिव्यांग व 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए 25 फरवरी से अवर माइक्रो ऑब्जर्वर तथा जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की विशेष निगरानी में कराया जाएगा मतदान। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। मारपीट कर छिनैती करने वाले एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ২০২২ विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों के द्वारा बैलेट बॉक्स में किया गया मतदान। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, प्रेक्षकों की निगरानी में कार्मिकों का संपन्न हो रहा है मतदान। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां है पूरी। सीएमओ ने कहा, सभी बूथों पर एक आशा कार्यकर्ती, थर्मल स्कैनर, पल्स मीटर, मास्क, सैनिटाइजर के साथ रहेंगे उपस्थित। जिले में सभी सुविधाएं रहेंगे उपलब्ध। सेंट एंड्रूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए निकाली गई रैली। कहा, 3 मार्च को जाति धर्म के भेदभाव को मिटाकर करें मतदान, जिससे स्वस्थ भारत का हो सके निर्माण। चिंतन दिवस में विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाई गई स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेटन पॉवेल की 165वीं एवं विश्व गाइड चीफ मिस ओवरऑल सॉन्ग्स एंड क्लेयर की जयंती। लिया उनके बताए गए पदचिन्हों पर चलने का संकल्प। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 291। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और
विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मंगलवार को भी रहा जारी। मास्टर ट्रेनर के द्वारा कार्मिकों को दिया जा रहा है विस्तृत प्रशिक्षण।